अस्सलामु अलैकुम, माई नेम इज़ उसामा मजीद। टुडे माई लेक्चर इज़ फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.3, क्वेश्चन 1। यूज़ फैक्टराइजेशन टू फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यूज़ करना है फैक्टराइजेशन, फाइंड करना है स्क्वेयर रूट फॉलोइंग एक्सप्रेशंस का। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स, 1/16x² माइनस 1/12xy प्लस 1/36y². फर्स्ट में स्टूडेंट्स x स्क्वेयर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर ओवर 16। नेक्स्ट में स्टूडेंट्स एक्स वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स वाई ओवर 12। और लास्ट पे आ जाएगा स्टूडेंट्स प्लस वाई स्क्वेयर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वेयर ओवर 36। ये इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट में तो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वेयर ओवर 16 है तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स एक्स ओवर 4 का स्क्वेयर। दरमियान में माइनस है स्टूडेंट्स तो माइनस 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाली वैल्यू आ जाएगी एक्स ओवर 4। अब स्टूडेंट्स जो लास्ट पे है वाई स्क्वेयर ओवर 36, ये स्टूडेंट्स वाई ओवर 6 होल का स्क्वेयर बनता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने स्क्वेयर के बगैर वैल्यूज़ को लिखना है तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स वाई ओवर 6 और लास्ट पे आ जाएगा स्टूडेंट्स प्लस वाई ओवर 6 इसका स्क्वेयर। अगेन स्टूडेंट्स एक्स स्क्वेयर ओवर 16 माइनस एक्स वाई ओवर 12 प्लस वाई स्क्वेयर ओवर 36 इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स अब ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, तो ये कंप्लीट बन जाएगा a माइनस बी होल का स्क्वेयर। अब स्टूडेंट्स इसमें a हमारे पास है x ओवर 4, दरमियान में माइनस है तो माइनस आएगा स्टूडेंट्स, और लास्ट पे है हमारे पास जो b है वो है हमारे पास स्टूडेंट्स y ओवर 6। तो स्टूडेंट्स x ओवर 4 माइनस y ओवर 6 इस होल का स्क्वेयर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स दोनों साइड पे स्क्वेयर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा स्टूडेंट्स स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर ओवर 16 माइनस का एक्स वाई ओवर 12 प्लस वाई स्क्वेयर ओवर 36 इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स ओवर 4 माइनस वाई ओवर 6 एक्स ओवर 4 माइनस वाई ओवर 6 इसका स्क्वेयर। अब स्टूडेंट्स राइट साइड पे स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा तो स्टूडेंट्स इसका आंसर इक्वल आ जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर ओवर 16 माइनस एक्स वाई ओवर 12 प्लस वाई स्क्वेयर ओवर 36 इज इक्वल टू स्टूडेंट्स प्लस माइनस आ जाएगा स्टूडेंट्स प्लस माइनस इंटू एक्स ओवर 4 माइनस वाई ओवर 6। ये स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट का आंसर आ गया है। नेक्स्ट में है फोर्थ पार्ट, 4 इंटू ए प्लस बी इसका स्क्वेयर माइनस 12 इंटू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस 9 इंटू ए माइनस बी इसका स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 इंटू ए प्लस बी का स्क्वेयर माइनस 12 इंटू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस 9 इंटू ए माइनस बी इसका स्क्वेयर इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट में तो स्टूडेंट्स 4 इंटू ए प्लस बी इसका स्क्वेयर है तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 इंटू 2 का स्क्वेयर 4 होता है 2 इंटू ए प्लस बी इसका स्क्वेयर आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स माइनस है दरमियान में तो माइनस का 2 आएगा इंटू फर्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू है 2 इंटू ए प्लस बी इसको स्टूडेंट्स हम स्क्वेयर के बगैर राइट करेंगे। नेक्स्ट में स्टूडेंट्स जो हमारे पास लास्ट में है 9 इंटू ए माइनस बी होल का स्क्वेयर, तो स्टूडेंट्स 3 का स्क्वेयर 9 होता है 3 इंटू ए माइनस बी होल का स्क्वेयर बन जाएगा। तो इधर हमने स्टूडेंट्स इसको स्क्वेयर के बगैर लिखना है 3 इंटू ए माइनस बी और लास्ट पे इसको स्टूडेंट्स स्क्वेयर में लिख देंगे प्लस 3 इंटू ए माइनस बी इसका स्क्वेयर। अब स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को सेम ही लिख देंगे 4 इंटू ए प्लस बी इसका स्क्वेयर आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस 12 इंटू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और लास्ट पे आ जाएगा स्टूडेंट्स प्लस 9 इंटू ए माइनस बी इसका स्क्वेयर। अब स्टूडेंट्स
जो लास्ट पे है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है ए माइनस बी होल का स्क्वायर। ए इसमें स्टूडेंट्स टू इंटू ए प्लस बी है और लास्ट पे स्टूडेंट्स दरमियान में माइनस आ रहा है, और लास्ट वाली जो वैल्यू है थ्री इंटू ए माइनस बी, ये हमारे पास बी है थ्री इंटू ए माइनस बी इस पूरे का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स लेफ्ट वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी फोर इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ट्वेल्व इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस नाइन इंटू ए माइनस बी इसका स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स टू ए प्लस टू बी, टू ए प्लस टू बी, और लास्ट पे आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस का थ्री ए माइनस माइनस प्लस का थ्री बी इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगेन लेफ्ट साइड वाली वैल्यू सेम ही रहेगी फोर इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ट्वेल्व इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और लास्ट पे आ जाएगा प्लस नाइन इंटू ए माइनस बी होल का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स टू बी और थ्री बी को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स फाइव बी, टू ए माइनस थ्री ए बड़ी वैल्यू माइनस की है ए में, तो माइनस का ए इसका स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्टूडेंट्स अब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ फोर इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ट्वेल्व इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस नाइन इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ फाइव बी माइनस ए इसका स्क्वायर। स्टूडेंट्स राइट साइड पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ फोर इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ट्वेल्व इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस नाइन इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस इंटू फाइव बी माइनस ए। ये स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर वन के फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया है। स्टूडेंट्स टुडे योर क्वेश्चन नंबर वन पार्ट थ्री एंड पार्ट फोर हैव बीन कंप्लीटेड। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दीज टू पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर वन देन यू विल कमेंट मी। अल्लाह हाफिज़।